दिखा ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमैटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड द ऐप एंटीमैटर फिट। अमित कॉमर्स पॉइंट के द्वारा जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, वार्ड नंबर 23 से थे, वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 43 से जो निर्दलीय जीत के आए थे, उन्हीं का स्वागत की बेला में हमने स्वागत रखा था और बहुत अच्छा लगा कि आमजन ने अपना प्यार पूरा इनको दिया, इनको सराहा, इनको जिताया। और निर्दलीय प्रत्याशी बनके जीतना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे साबित होता है कि जनता इनके साथ थी, जनता ने मानस बना लिया था कि नया चेहरा उतारना है, वो चेहरा उतारना है जो जनता के लिए काम करेगा, जनता के बीच में रहेगा। और उसी के लिए इन तीनों पार्षदों को हमारे चुन के भेजा। मैं अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से, अपने सभी परिवार की तरफ से, अपने आमजन की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये अपना वार्ड का विकास करें, अपने वार्ड की समस्याओं का निदान करें और जनता इनके साथ हमेशा बनी रहे, जनता का प्यार इन्हें हमेशा। अमित सर के द्वारा मैं निर्दलीय प्रत्याशी काजल यादव वार्ड 43 से थी, उन्हें सम्मान के रूप में बुलाया, उन्हें सम्मान दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया और इसके लिए मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ। उसके साथ ही हमारे वार्ड 23 के नरेश सारवान भैया जी और 45 की बीना टाग मैम जी, उनका भी स्वागत सत्कार किया गया। तो हम सब ने यहाँ पर अपने दम पे निर्दलीय के रूप में हम अपने वार्डों से जीत कर आए थे। काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ में हमारा विजय रहा तो इसलिए उन्हें हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने निर्दलीय चुनाव जीता, हाँ जी, तो पार्टी से कोई नाराजगी आती थी जैसे आपको टिकट नहीं दिया? हाँ जी, अपने वार्ड में बेशक नाराज़गी बरकरार है। हमने कांग्रेस से टिकट मांगा था, उन्हें एंड टाइम पर टिकट किसी और को दे दिया, जो कि हम संगठन में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, हम ग्राउंड लेवल से जुड़े थे। मैं यूथ कांग्रेस की भी सदस्य रही हूँ और फिर कांग्रेस से भी जुड़ाव रहा, बहुत मेहनत कर रहे थे क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, हमको पता है कि कहाँ कैसे संगठन को मजबूत करना था। तो हमको हमें अनदेखा किया गया, इसकी नाराज़गी हमें बरकरार है, इसलिए जनता के रुख को देखते हुए फिर हमने निर्दलीय के रूप में हम लोग खड़े हुए और जनता के प्यार से, सपोर्ट से, उनके वोट से हमने विजय भी हासिल करी। और ये विश्वास हम जनता को भी दिलाते हैं कि उनकी अपेक्षाओं पे हम खड़े उतरेंगे, उनको नाराज़गी हासिल नहीं हुई। 5 साल बहुत कम वो है, आगे भी उनके लिए बहुत काम करते रहेंगे और पहले भी करते आए हैं और हम सेवक के रूप में ही रहेंगे। ये रणनीति मतलब आपको क्या लगता है कि किस प्रकार ये आपकी थी या कोई? ये तो कहना ये उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो भी था इसमें ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को अनदेखा करना ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है। ये एक दीमक की तरह ही रह गए जो उनको नीचे नीचे से खोखला कर रही है और इस तरह से ये बहुत गलत है, आगे ना हो, ये वो सबक ले तो ज़्यादा बेहतर है। काजल यादव वार्ड 43 पार्षद। अच्छा, नरेश सारवान वार्ड नंबर 23 से नरेश सारवान जो निर्दलीय प्रत्याशी जीता हूँ। 13 साल से काम कर रहा था मैं वार्ड के अंदर संघर्ष के लिए, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने के आला कमानों ने मेरा टिकट काटा। पहले भी मैंने 2015 के अंदर वहाँ चुनाव लड़ा था, जब मैं सुनील कैन जी के सामने था उस टाइम पे मुझे 985 वोट मिले थे, थोड़े से वोट से मैं रह गया था। फिर मैंने उसके टाइम से भी मैंने जनता के अंदर जाना आना करना, लॉकडाउन में हेल्प करिए, पूरे सब चीज़ से मैं सहायता करता रहा जनता की। फिर बाहरी व्यक्ति को वहाँ टिकट दे देना और स्थानीय व्यक्ति को दरकनार करना, ये मुझे नागवार गुजरा। और मैंने भी कई वर्षों से आप अपने वार्ड में सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, मैं पार्टी विशेष पर नाराज थी, किस प्रकार से, और ये पार्टी की कोई रणनीति थी कुछ ऐसा? पार्टी की रणनीति थी है कि कैसे न कैसे करके जो समझदार आदमी है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको काट कि ना ये कोई आगे नहीं बढ़ जाए या कुछ ऐसी मेरे को लगता है इनकी चाल, क्योंकि और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद बीजेपी का ही बोर्ड बनाना चाह रहे थे करता है और जुझारू नेता है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रबल दावेदार थे वहाँ वहाँ इन्होंने टिकट प्रबल दावेदारों वालों के टिकट काटे और वहाँ पे जो कमजोर कड़ी के व्यक्ति थे उन लोगों को इन्होंने टिकट दिए। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैं इसका हूं, मैं उसका सोचता है कि मैं